इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महंत नरेंद्र गिरी मौत में बड़ा खुलासा। सूत्रों का दावा, किसी वीडियो को लेकर परेशान चल रहे थे नरेंद्र गिरी। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य के वीडियो की एक पुष्टि, कहा वीडियो में नरेंद्र गिरी ने अपनी आपबीती कही, वीडियो सामने आने से होगा खुलासा। महंत नरेंद्र गिरी की 8 साल से सेवा कर रहे शिष्य का दावा, नरेंद्र गिरी ने अपने कमरे के अंदर किसी को नहीं आने को कहा था। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में स्विस सरकार के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री भी जांच के घेरे में, अभी पुलिस को नहीं मिला मौत से कोई सीधा कनेक्शन। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिस वालों से पूछताछ, मठ में मौजूद शिष्यों और अनुयायियों से भी सवाल जवाब कर रही है पुलिस। महंत नरेंद्र गिरी के सेवादार बबलू का दावा, कहा सोमवार को कोई भी संदिग्ध शख्स मिलने नहीं आया, न ही वो किसी बात को लेकर परेशान थे। सेवादार बबलू ने ही सबसे पहले नरेंद्र गिरी का शव पंखे से लटका देखा, बबलू ने ही लिफाफे में बंद सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज, खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा 306 लगाई गई। सेवादार अमर गिरी ने आनंद गिरी पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया, कहा आनंद गिरी की वजह से ही महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की। महंत की संदिग्ध मौत पर उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, सुसाइड लेटर की फॉरेंसिक जांच हो रही है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा आरोपी शिष्य आनंद गिरी के कहने पर नहीं होगी जांच, सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के CM योगी का बड़ा ऐलान, एक एक राज का पर्दाफाश होगा, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। योगी ने प्रयागराज के बागबंबरी मठ में नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के बाद किया ऐलान, एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है, ADG जोन, IG रेंज और DIG प्रयाग कर रहे हैं जांच। CM योगी ने लोगों से बयानबाजी से बचने को कहा, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से जांच करने दें। मैं नरेंद्र गिरी का कल होगा अंतिम संस्कार, CM योगी ने कहा पोस्टमार्टम के बाद धार्मिक रीति रिवाज के साथ समाधि दी जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए बागम्बरी मठ पहुंचे थे CM योगी, महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए, योगी ने महंत को दी श्रद्धांजलि। CM योगी ने बागम्बरी मठ के संतों और महेंद्र नरेंद्र गिरी के अनुयायियों से भी बात की, नरेंद्र गिरी की मौत पर शोक जताया है। बागम्बरी मठ में CM योगी के साथ पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, साथ में नजर आई रीता बहुगुणा जोशी। CM योगी ने महंत की मौत को हिंदू समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया, कहा नरेंद्र गिरी जी ने 2019 के कुंभ को सफल बनाने में अहम योगदान दिया था। योगी ने कहा नरेंद्र गिरी जी कुंभ के दौरान 13 अखाड़ों के बीच समन्वय के लिए काम कर रहे थे, अपने घर के कार्यक्रम की तरह हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था को लेकर सुरक्षा तक के लिए कोशिश की। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने श्रद्धांजलि दी, कहा महाराज जी का जाना कष्टकारी, नरेंद्र गिरी की मौत की सच्चाई जल्द आएगी सामने। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा दोषी को खोज निकालेंगे और गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। महंत की संदिग्ध मौत की CBI से जांच कराने पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, पंच परमेश्वर या अखाड़ा परिषद का जो भी फैसला होगा स्वीकार है, जरूरत पड़ी तो कराएंगे CBI से जांच। अखिलेश यादव भी करेंगे महंत गिरी के आखिरी दर्शन, करीब 12 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज। मौनी स्वामी ने महंत गिरी की संदिग्ध मौत की CBI जांच की मांग की, कहा महंत नरेंद्र गिरी के साथ हुई साजिश, चुनौतियों से लड़ने वाला संत ना खुदकुशी कर सकता है। महंत नरेंद्र गिरी के परिवार से जुड़े भानु प्रताप सिंह ने सरकार को दी चेतावनी, कहा अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आधे हिंदुस्तान में लगा देंगे आग। NCP ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बहाने योगी सरकार पर हमला किया, नवाब मलिक ने कहा महंत के राज में महंत सुरक्षित नहीं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा महंत नरेंद्र गिरी की मौत रहस्यमयी, पूरे मामले की जांच कराने को कहा, कुछ छिपाने की हो सकती है कोशिश। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या के बाद UP से लेकर दिल्ली तक पूछे गए थे सवाल, अब पूरा महाराष्ट्र जानना चाहता है क्या और कैसे हुआ। BJP नेता रीता बहुगुणा पहुंची मठ, कहा अगर महंत ने खुदकुशी की तो और ज्यादा जांच की जरूरत, योगी राज में होगी पूरी निष्पक्ष जांच। बागम्बरी मठ पहुंची महंत नरेंद्र गिरी की बहन, कहा मेरे भाई नहीं कर सकते थे खुदकुशी। इंडिया TV से बातचीत में बोले शिष्य आनंद गिरी, महंत जी ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। आनंद गिरी ने कहा महंत नरेंद्र गिरी से मेरा कोई विवाद नहीं था, मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आनंद गिरी का बयान, मठ की संपत्ति के लिए दूसरों से विवाद था, करोड़ों की हवेलियों में रहने वालों ने की है साजिश। प्रयागराज के मठ में नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का भी नाम, पुलिस उन्हें भी हिरासत में लेकर करेगी पूछताछ। पंजाब के CM चन्नी दोनों डिप्टी CM और राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात, कैबिनेट पर मोहर लगेगी। फिलहाल सोनिया और प्रियंका गांधी के साथ शिमला में मौजूद है राहुल, राहुल के दोपहर तक दिल्ली पहुंचने की संभावना। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मांगा पंजाब के CM चन्नी का इस्तीफा, कहा मी टू के आरोपी को मुख्यमंत्री बनाना शर्मनाक।
चरणजीत सिंह चन्नी पर है महिला आईएएस को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप। रेखा शर्मा ने चन्नी को बताया महिला सुरक्षा के लिए खतरा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पहली कैबिनेट की बैठक की, सरकारी कर्मचारी को दिया तोहफा, वेतन में 15% की बढ़ोतरी की। शिवसेना नेता आनंद गीते का एनसीपी चीफ शरद पवार पर करारा हमला, कहा परिवार नहीं हो सकते शिव सैनिकों के गुरु, कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। रायगढ़ की रैली में बोले अनंत गीते, कहा जब तक सरकार है तब तक हम पवार के साथ हैं, हमारे गुरु केवल बाला साहब ठाकरे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाए गए दिलीप घोष, पार्टी ने बालूरघाट से लोकसभा सांसद सुकांत मजूमदार को सौंपी कमान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोलकाता पहुंचने पर सुकांत मजूमदार का जोरदार स्वागत हुआ, कहा टीम की तरह करेंगे काम। बंगाल बीजेपी ही कमान मिलते बोले सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल के तालिबानीकरण के खिलाफ लड़ेंगे, हमारे राज्य की रक्षा करेंगे। अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद बोले दिलीप घोष, बीजेपी पारिवारिक पार्टी नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से यहां जिम्मेदारी दी जाती है, सुकांत मजूमदार को बुद्धिमान और कुशल कार्यकर्ता कहा। टीएमसी नेता सुष्मिता देव का निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुना जाना तय, बंगाल ने 4 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। सुष्मिता देव ने त्रिपुरा सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का आरोप लगाया, का अभिषेक बैनर्जी के कार्यक्रम की अनुमति ना देना अलोकतांत्रिक है। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, भवानीपुर उपचुनाव समेत 3 सीटों के लिए होनी है वोटिंग। अर्जुन सिंह ने बाबुल सुप्रियो पर साधा निशाना, बाबुल सुप्रियो को कहा चाटुकार, बोले नए नए मुस्लिम बने हैं 10 बार नमाज पढ़ेंगे। अर्जुन सिंह ने चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल, का भवानीपुर में वोटर्स को धमकाया जा रहा है, द्वारे के जरिए गुंडा पुलिस और ड्रग्स पहुंचाई जा रही है, कहां सोया हुआ है चुनाव आयोग। अर्जुन सिंह की केंद्र सरकार को सलाह, बंगाल में संविधान की उड़ रही है धज्जियां, संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा है, केंद्र सरकार ध्यान दे। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने बारिश से कोलकाता की बदहाली पर टीएमसी पर साधा निशाना, का सफाई के नाम पर कॉरपोरेशन ने की 147 करोड़ की लूट। मिशन गोवा पर पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, 7 अहम ऐलान किए, हर घर में एक युवा को रोजगार देने का वादा किया। केजरीवाल ने रोजगार मिलने तक 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का किया वादा, कहा सरकारी और निजी नौकरियों में 80% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने का वादा। केजरीवाल ने रोजगार को लेकर गोवा सरकार पर किया अटैक, कहा एमएलए या मंत्री की सिफारिश या रिश्वत के नौकरी नहीं मिलती है, इसे बंद करेंगे। सर्वानंद सोनोवाल ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए किया नॉमिनेशन, साथ में मौजूद सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, बीजेपी ने सोनोवाल को असम से बनाया उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए मध्य प्रदेश से भरा पर्चा, मौके पर मौजूद थे सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस ने रजनी पाटिल को दिया राज्यसभा का टिकट, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी है रजनी पाटिल। मिशन गुजरात में जुटे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अहमदाबाद में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ओवैसी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा हमें कोई बी टीम कहे, वोट कटवा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मीसा भारती के पैसे लेने के आरोप वाले मामले में सियासत तेज हुई, अब बक्सर के रहने वाले एक शख्स ने कहा कि पैसे लेकर उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तेजस्वी पर आरोप के मुद्दे पर आज मीडिया से मिलेंगे बीजेपी नेता सुशील मोदी, तेजस्वी पर पैसे लेने के आरोप लगाने वाले शख्स को भी मीडिया के सामने लाएंगे। टिकट के लिए 5 करोड़ लेने के आरोप पर तेजस्वी यादव की सफाई, इस मामले की हो निष्पक्ष जांच। तेजस्वी यादव ने कहा आरोप लगाने वाला शख्स अगर गलत साबित हो तो उसके खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। पटना में आज से आरजेडी के 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर का होगा आयोजन, तेजस्वी यादव समेत पार्टी के सीनियर नेता शामिल होंगे। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस में भी हलचल, राज्य कांग्रेस के पूर्व महासचिव महेश शर्मा ने फिर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, पायलट घायल, जख्मी पायलट को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। खराब मौसम की वजह से दुर्घटना हुई, मौके पर पुलिस टीम पहुंची, डीआईजी ने कहा अधिक कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर के क्रैश या क्रैश लैंडिंग थी साफ नहीं। इंदौर में अपमानजनक तरीके से गणेश मूर्तियों के विसर्जन का वीडियो वायरल हुआ, नगर निगम के कर्मचारी पानी में मूर्तियों को फेंकते नजर आए। मामले में 9 आरोपियों पर चंदन नगर पुलिस ने दर्ज किया केस, वीडियो वायरल होने के बाद पूरे शहर में हो रहा था विरोध प्रदर्शन, लोगों की भावनाएं हुई थी आहत। 24 सितंबर को क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होगी बैठक, पहली बार आमने सामने की बैठक होगी, व्हाइट हाउस की ओर से बयान जारी किया गया। बाइडेन से मिलने से पहले अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे पीएम मोदी, 23 सितंबर को होगी मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक आज से शुरू होगी, पहले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे संबोधित। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलेंगे बाइडेन, अमेरिका फिर से नहीं शुरू करना चाहता शीत युद्ध, चीन की तरफ से मतभेद का इशारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करने न्यूयॉर्क पहुंचे बाइडेन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन, वीडियो लिंक के जरिए रखेंगे अपनी बात। यूएन महासभा में आतंकवाद, अफगानिस्तान और वैक्सीन जैसे मुद्दों को उठा सकता है भारत, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस त्रिमूर्ति का बयान।
यूएनजीए की बैठक से पहले बोले भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएफ तिरुमूर्ति, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास में भारत सबसे आगे, भारत पहले भी आतंक के विरोध में रहा है और आगे भी रहेगा। राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बात की, अफगानिस्तान के हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, ब्रिटेन की नई विदेश मंत्री से की मुलाकात, दोनों देशों के व्यापार को लेकर 2030 तक के रोडमैप पर चर्चा, इराक के वित्त मंत्री से भी मुलाकात। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने स्टील कंटेनर में छुपाकर रखे थे आईडी को डिफ्यूज किया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान एसएसबी ने आयोजित की साइकिल रैली, सीएम योगी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एसएसबी की साइकिल रैली 2384 किलोमीटर तय कर 2 अक्टूबर को पहुंचेगी राजघाट। योगी ने कहा, हमारे पास आजादी की कीमत से वर्तमान पीढ़ी को रूबरू कराने का अवसर है। दो महीने बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर निकले राजकुंद्रा, मुंबई की अदालत ने पोर्नोग्राफी केस में कल दी थी जमानत। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में लुकआउट नोटिस जारी, कुंद्रा के सहयोगी यश ठाकुर और प्रदीप बख्शी के खिलाफ जारी हुआ है नोटिस। राजकुंद्रा को जमानत के बाद मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कहा, जांच के दौरान कुंद्रा के मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से मिले 119 पॉन वीडियो। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सप्तशक्ति कमान यूनिट ने की एनुअल ट्रेनिंग। 130 एमएम गन्स और K9 वज्र की दिखी ताकत, K9 वज्र को भारतीय सेना में नया नया शामिल किया गया है। K9 वज्र को चलाने की दी गई ट्रेनिंग ताकि किसी भी समय किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे सेना। भारत और नेपाल की सेना के बीच शुरू हुआ संयुक्त युद्धाभ्यास, पिथौरागढ़ में इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दिया गया सूर्य किरण 15। भारत और नेपाल की इन्फेंट्री बटालियन का है ये युद्ध अभ्यास, 3 अक्टूबर तक चलेगा। दोनों देशों के 650 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निमास टीम के पर्वतारोहियों का बढ़ाया हौसला, इस टीम ने 7077 मीटर पर एक पर्वतारोहण अभियान को किया पूरा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को मिला रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार, आत्मनिर्भर भारत में उल्लेखनीय योगदान के लिए किया गया सम्मानित। दिल्ली में आज से मॉनसून के फिर सक्रिय होने के आसार, 26 सितंबर तक हो सकते हैं बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। HDFC के साथ मिलकर पेटीएम ला रहा है खास क्रेडिट कार्ड, Tier 2 और Tier 3 शहरों में गहरी पैठ बनाने की इरादा है। विश्व के सबसे बड़े वर्चुअल फिटनेस उत्सव की मेजबानी करेगा भारत, 28 से 30 सितंबर तक चलने वाले समारोह में 115 से ज्यादा देशों के 25,000 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। नोएडा में हजारों किसानों का प्रदर्शन, अधिकारियों पर गलत नोटिस भेजकर घरों को तोड़ने का आरोप लगाया। यूपी के मेरठ में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, जिले में 205 तक पहुंचे कुल केसेस की संख्या, इनमें से 102 मरीज ठीक हुए। कानपुर में वायरल फीवर और डेंगू बना मुसीबत, रोजाना 7 से 10 मरीज हो रहे हैं भर्ती, हर रोज 40 से 50 लोगों की होती है जांच। कानपुर के परमठ में लगा राष्ट्रीय पोषण माह का शिविर, पोषण जागरूकता शिविर लगाकर एनीमिया के प्रति महिलाओं को किया गया जागरूक, पोषण संबंधी झलकियां पेश की गई। यूपी के गाजियाबाद में अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, 4 अवैध पिस्टल और 60 कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपियों में से 8 को मोबाइल और 1 अवैध हथियार के साथ ही जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के इटावा में सर्विलांस टीम ने 83 गुमशुदा फोन की तलाश की, लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पकड़ा गया जहर खुरानी गिरोह, लोगों को नशे की गोली खिलाकर करते थे लूट के वारदात, 4 गिरफ्तार। यूपी के बागपत में 5 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए, 31 पशुओं से भरा एक ट्रक भी बरामद हुआ। यूपी के मथुरा में चेकिंग के दौरान 3 पशु तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से 110 पशु बरामद। यूपी के औरैया में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, कई आपराधिक मामलों में केस दर्ज। अलीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा ने लगाया ब्लड डोनेशन कैंप, सेवा समर्पण अभियान के तहत लगाया गया कैंप। गुजरात के पोरबंदर में पकड़ी गई 150 करोड़ की ड्रग्स, ATS और कोस्ट गार्ड्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान के नाव से 7 लोग गिरफ्तार भी हुए। भारत में ड्रग्स की खेप पहुंचाने में पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा, पाकिस्तानी ड्रग माफिया गुलाम और ईरानी ड्रग माफिया इमाम के आदेश पर भारतीय सीमा में पहुंची ड्रग्स। कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने करीब 3,000 किलो हेरोइन जब्त की, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के जलगांव में गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबा हटाने का काम जारी, जर्जर हालत की वजह से इमारत के गिरने से पहले ही खाली करवा लिया गया था। अमरावती में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, मोशी इलाके में एक बेकाबू ट्रैक्टर डिवाइडर तोड़कर सड़क की दूसरी तरफ गिरा, ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से जख्मी। भारी बारिश के 24 घंटे बाद भी कोलकाता की सड़कें पानी पानी, सड़कों और सोसाइटीज में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। जम्मू में पैंथर्स पार्टी का विरोध प्रदर्शन, महाराजा हरि सिंह की जयंती पर की सरकारी छुट्टी की मांग। बंगाल में पहली बार हो रहा है लंग्स ट्रांसप्लांट, सोमवार रात से मरीज की शुरू हुई सर्जरी, ऑपरेशन में 14 घंटे का लग सकता है वक्त। गुजरात में ब्रेन डेड होने के बाद मरीज के परिवार ने किया अंगदान। दिल्ली में 1 अक्टूबर से नई आबकारी नीति लागू होगी, 105 वार्ड में नहीं खुलेंगे शराब की दुकान, 17 नवम्बर से दिल्ली में खुलेंगी नई शराब की दुकानें, सरकार को भारी राजस्व मिलने की उम्मीद।
कराची के कलबुर्गी के किसानों को नहीं हो रहा टमाटर की फसल से फायदा। 1 किलो टमाटर के लिए किसानों ने की 3 की जगह 20 रुपए की मांग। पितृपक्ष के पहले दिन संगम पहुंचे श्रद्धालु, अपने अपने परिवार के पूर्वजों को तर्पण किया। भोपाल के शीतल दास के बगिया घाट पर उम्र श्रद्धालु पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध किया। गणेश विसर्जन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुई हिंसा, सत्ताधारी पार्टी YRSCP और तेलुगुदेशम पार्टी के समर्थक आपस में भिड़े। गुंटूर में हुई हिंसा में 7 लोग घायल, TDP नेता का आरोप, YSRCP समर्थकों ने घर के फर्नीचर और 6 गाड़ियों में लगाई आग। जम्मू कश्मीर में खुले 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूलों में हो रहा है कोरोना गाइडलाइंस का पालन। आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ वाणिज्य उत्सव, CM जगन मोहन रेड्डी ने किया उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उद्योग और वाणिज्य विभाग ने किया आयोजन। दिल्ली पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा UKLF का कमांडर, लूट फिरौती और रंगदारी के मामले में था वांटेड। बेंगलुरु में आर्मी ऑफिसर बनकर सेना की जानकारी जुटाने वाला गिरफ्तार हुआ, व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान भेज रहा था डिटेल्स। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए 2 आरोपी आतंकी जान मोहम्मद के कनेक्शन में हुई थी गिरफ्तारी। तेलंगाना के संगारेड्डी में नाबालिग की किडनैपिंग की कोशिश, स्थानीय लोगों ने 2 युवकों की पिटाई की। बेंगलुरु में रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान ट्रेन ने कार को मारी टक्कर, बाल बाल बची कार सवार की जान। बिहार के अररिया में भीड़ ने चोर की पीट पीट कर हत्या की, मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था चोर। सुपर 30 शिक्षा अभियान के जरिए कश्मीर के युवाओं का भविष्य सवार रही है सेना, 3 सालों में 68 छात्रों का अलग अलग एग्जाम में हुआ सिलेक्शन। सुपर 30 अभियान के जरिए सेना युवाओं को मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा और JEE के लिए तैयार करती है। रामेश्वरम में समुद्री तटों पर मछुआरों ने ढूंढा इनकम का नया स्रोत, मछलियों के अलावा समुद्री सिवार की भी डिमांड बढ़ी। भुवनेश्वर में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने पहली बार रखा कॉलेज में कदम, कोरोना के चलते बंद थे कॉलेज। पर्यावरण संरक्षण के लिए हैदराबाद में महिलाओं की बड़ी पहल, प्लास्टिक की जगह जूट और कपड़े के बैग पर जोर। सिंधुदुर्ग में चिप्पी एयरपोर्ट को DGCA की मंजूरी, 9 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री सिंधिया और CM ठाकरे की मौजूदगी में लोकार्पण होगा। ब्रिटेन के फैसले पर भारी विवाद, कोविशील्ड की 2 डोज लगने को नहीं देगा मान्यता, भारत से ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिन रहना होगा क्वारंटीन में। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ सामने ब्रिटेन के क्वारंटीन नियमों का मुद्दा उठाया, न्यूयॉर्क में ब्रिटिश विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ब्रिटेन पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया, विरोध में रद्द किया अपना ब्रिटेन दौरा। दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को नवंबर में अमेरिका में नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन, वैक्सीन रिपोर्ट के साथ देनी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए जानकारी। कोरोना की वजह से अमेरिका में 1918-19 में आए स्पैनिश फ्लू के बराबर हुई मौत, करीब 6,75,000 लोगों की गई जान। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का प्रोटेस्ट, निर्माण कार्य से जुड़े लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की अनिवार्य करने का विरोध कर रहे हैं। केरल में 90% आबादी को लगी पहली डोज और लगभग 1 करोड़ लोगों को लगी दूसरी डोज। देश में अगले 3 महीने में मिलेगी 100 करोड़ वैक्सीन की डोज, अक्टूबर में मिलेंगी 30 करोड़ वैक्सीन। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत फिर दूसरे देशों को भेजेगा वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया ऐलान। 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन सुरक्षित, क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट में कारगर साबित हुई वैक्सीन। देश में कोरोना के 26,115 नए केसेस, 252 लोगों की गई जान। तमिलनाडु के CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, राज्य के लिए हर हफ्ते 50,00,000 वैक्सीन डोज की मांग की। केरल में कोरोना के 15,692 नए केस, 24 घंटे में 92 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 2,583 नए कोरोना के केस आए, 24 घंटे में 28 मरीजों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,661 नए केस, 24 घंटे में 23 लोगों ने गवाई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 839 नए केस सामने आए और 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना के 20 और उत्तर प्रदेश में 11 नए केस मिले, दोनों राज्यों में किसी संक्रमित की नहीं हुई मौत। असम के डिब्रूगढ़ में 10वीं के लिए खुले स्कूल, कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूल खोले गए। हिमाचल प्रदेश में 25 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को जाने की इजाजत। उत्तराखंड में 5 अक्टूबर तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फैसला। तमिलनाडु के त्रिची में शिक्षकों की सराहनीय पहल, कोरोना के चलते स्कूल बंद होने पर गरीब बच्चों को दी जा रही है मुफ्त शिक्षा। कनाडा के चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी ने जीता संसदीय चुनाव, पार्टी 148 सीट पर चल रही है आगे। अमेरिका ने सीरिया में अलकायदा के सीनियर आतंकी को किया ढेर, विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में ड्रोन से गाड़ी को बनाया निशाना। 2016 के मुकदमे को निपटाने के लिए $80.9 करोड़ देगा ट्विटर, यूजर्स के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में ट्विटर निवेशक
डोरिस ने दायर किया था मुकदमा। पनडुब्बी विवाद पर यूरोपियन यूनियन ने फ्रांस को किया समर्थन। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद आपसी सहयोग और बढ़ाने को कहा। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा अमेरिका के साथ साख का संकट, ऑस्ट्रेलिया के साथ पनडुब्बी डील पर धोखे का लगाया आरोप। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म होटल रवांडा के हीरो को सुनाई गई 25 साल जेल की सजा। रवांडा में हमला करने वाले विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप। काबुल एयरपोर्ट से कतर के लिए उड़ी फ्लाइट अफगानिस्तान, इसके अलावा अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक इसमें रवाना हुए। अफगानिस्तान के हेरात में छात्राओं का प्रदर्शन, तालिबान से की स्कूल खोलने की मांग। काबुल में टेंट में रह रहे विस्थापित सैकड़ों परिवारों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई, बोले बुनियादी जरूरतों की भारी कमी। स्पेन में ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की से दहशत, 100 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। आसपास के इलाकों से 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया, हालात पर नजर बनाए रखे हैं वैज्ञानिक। अमेरिका के ह्यूस्टन में गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी की मौत, दूसरा घायल, फायरिंग करने वाला शख्स भी मारा गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेकिया के पेड़ों की तरफ बढ़ रही है जंगल की आग, पेड़ों को बचाने के लिए जुटे हैं फायर फाइटर्स। अभी तक सेकिया के पेड़ों को हुए नुकसान का आकलन नहीं कर मौसम और तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कत। लीबिया में समुद्र से 60 प्रवासियों को रेस्क्यू किया गया, यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। दो अलग अलग ग्रुप में सफर कर रहे थे प्रवासी, बीते 3 दिन में इसी इलाके से 130 प्रवासियों का हो चुका है रेस्क्यू। चीन ने लॉन्च किया कार्गो स्पेसक्राफ्ट, निर्माणाधीन स्पेस स्टेशन के लिए भेजी सप्लाई। अर्जेंटीना में चल रहे टैंगो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, 25 देशों के डांसर्स ले रहे हैं हिस्सा, 26 सितंबर को होगा ग्रैंड फिनाले। कंबोडिया में मगरमच्छ की विलुप्त होती जा रही प्रजाति के बच्चे मिले, नदी में 6 बच्चों के जिंदा मिलने से सियामीज प्रजाति के मगरमच्छों के बढ़ने की उम्मीद जगी है। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को दिया झटका, अगले महीने इंग्लैंड की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा रद्द। इंग्लैंड दौरे पर पहुंची न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम को लिस्टर में मिली बम की धमकी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक दोनों टीमों के बीच तय समय पर होगा तीसरा वनडे मैच। एशियन चैंपियनशिप में जगह नहीं मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, पिछले साल कोरोना के कारण नहीं हो पाए घरेलू मैचों की भरपाई के लिए इस सीजन में 50% मिलेगी अतिरिक्त फीस। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हामिद शिनवारी को किया बर्खास्त, अनस हक्कानी ने जारी किया आदेश। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आरसीबी को 9 विकेट से हराया, आरसीबी ने केकेआर को दिया था 93 रन का लक्ष्य। केकेआर के खिलाफ गोल्डन टैग पर आउट हुए एबी डिविलियर्स, आईपीएल में 10वीं बार 0 पर आउट होकर शिखर धवन की बराबरी की। वरुण चक्रवर्ती को मैन ऑफ द मैच चुना गया, वरुण ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट झटके। टारगेट का पीछा करते हुए केकेआर की आरसीबी के खिलाफ सबसे बड़ी जीत, 10 ओवर बाकी रहते बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। आरसीबी और केकेआर के बीच हुए मैच में नीली जर्सी में उतरी विराट की सेना, कोरोना वॉरियर्स को दिया सम्मान। टी20 वर्ल्ड कप के बाद 4 देशों की मेजबानी करेगी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज के साथ होगा मैच। चौथी बार पिता बनेंगे ब्राजील के स्टार फुटबॉलर, हल्क पत्नी के साथ शेयर की अजब में बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अमिताभ ने अपने नातिन नव्या नवेली का पियानो बजाते हुए वीडियो किया शेयर, लिखा ये पोस्ट एक नातिन के लिए नाना की हौसला अफजाई है। म्यूजिक वीडियो में साथ नजर आएंगे अंगद बेदी, हिना खान। अंगद बेदी ने गाने का टीजर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। बिग बॉस 15 में नजर आएंगे निशांत भट्ट, बिग बॉस OTT में रहे हैं फर्स्ट रनर अप। कपिल शर्मा शो में नजर आएंगे वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ। कपिल ने क्रिकेटर्स की लव मैरिज पर ली चुटकी, पूछा लव मैरिज के लिए बाहर फील्डिंग का टाइम कब मिल जाता है। पंचगनी में शूटिंग कर रहे कार्तिक आर्यन का कार ड्राइव करते हुए रास्ता भूले, पुलिस वाले ने मदद करने से पहले खींची सेल्फी। साउथ कोरिया के मशहूर ग्रुप BTS के सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष बैठक में स्पीच, कोरोना के बावजूद युवाओं के बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने की उम्मीद जताई। रानी मुखर्जी की आने वाली फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की शूटिंग खत्म, एस्टोनिया में 1 महीने से चल रही थी शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।